हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DRDO सेप्टम 10 के इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, सेल बैटरी एंड AC/DC मोटर, सेफ्टी डिवाइसेस, पैसिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, FET एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। उसके बाद है आपका मीजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, केबल एंड सोल्डरिंग गन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, एम्पलीफायर एंड फीडबैक, डिजिटल लॉजिक सर्किट, शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर एंड मेमोरीज, टाइम कॉन्स्टेंट, क्लिपर एंड क्लैंपर सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एंड टाइमर IC, ऑसिलोस्कोप है। उसके बाद है रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड स्टेबलाइजर कन्वर्टर है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, इन्वर्टर एंड UPS कंपोनेंट्स एंड डायग्राम है, सरफेस माउंटेड कंपोनेंट्स एंड पिन ग्रिड एरी पैकेज है। उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग है, ऑप्टिकल फाइबर एंड कम्युनिकेशन, टेक्निक ऑफ मॉडुलेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीना है, ट्रांसड्यूसर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड डियर पेरीफेरल डिवाइसेज हैं, प्न्यूमेटिक पावर सोर्सेज है, डिजिटल डिस्प्ले है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, सेल फोन आर्किटेक्चर है, टेलीफोन एंड इट्स कंपोनेंट्स हैं, साउंड वेव्स है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर है, कलर पिक्चर ट्यूब है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन एंड वैक्यूम क्लीनर है, मिक्सर ग्राइंडर है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ केबल TV है, CCTV सिस्टम है, कंट्रोल पैनल है, कन्वे और कंट्रोल सिस्टम है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। इसमें आपको कंप्यूटर के पार्ट्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, MS Office ये सब स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो वाकई में ही काफ़ी वास्ट है, काफ़ी लेंथी सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेकिन ये सिलेबस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सिलेबस में लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग सभी टॉपिक्स कवर्ड किए हुए हैं, तो आप इसे अच्छे से स्टडी कर लीजिए इसके बारे में। अब बात करते हैं हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो नॉन टेक्निकल सिलेबस में आपका इंग्लिश से आपका आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस, टेंस में टेंस के टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तो हम जनरल स्टडी करते ही है। उसके बाद इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव सेंटेंस भी स्टडी करने बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है मॉडल्स, मॉडल्स में आपका कैन, कुड, मे, माइट ये रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब सेंटेंस में यूज़ होगी, और ये अकॉर्डिंग टू टेंस में डिपेंड करता है, ठीक है, उसको आपको देखना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम जब चेंज करके देखते हैं, जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जो जनरली हम सेंटेंस की चेंज करके देखते हैं। इसके अलावा आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, डियर एंड इट वाले सेंटेंस की भी चेंज करके देखनी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस तो आपका सारा ही इंपॉर्टेंट, और आपको इसमें सब कुछ ही स्टडी करके चलना है, ताकि आप अपना बेहतर से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में दे सको। क्योंकि किसी भी एक टॉपिक या किसी भी दो चार टॉपिक्स को लेकर ये नहीं कहा जा सकता यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारा सिलेबस होता है वो सारा ही इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे, उसमें कोई टॉपिक्स ना छोड़े, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चनों करने की अप्रोच बढ़ जाती है। उसके बाद है इडियम एंड फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स है, रीओर्डिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ है, स्पेलिंग टेस्ट है। कॉम्प्रीहेंशन आप चाहे मत करना, क्योंकि ITI वालों के लिए कॉम्प्रीहेंशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध कॉम्प्रीहेंशन अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। स्पेलिंग टेस्ट में आपका, मैं बता दूँ आपके, आपको पता ही है कि वर्ड्स आएंगे, उनमें से आपको एक सही वर्ड को चूज़ करना है। रीओर्डिंग सेंटेंस पैराग्राफ में ऐसा होता है कि आपको या तो वो सेंटेंस देखा, पैराग्राफ देखा, तो उसका आपको रीओर्डिंग करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स से आप कहेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशो, SI and CI, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, LCM एंड SCF, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एंड रेशो, एलजेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, मेंसुरेशन, एज प्रॉब्लम, मिक्सर एंड एलिगेटर्स, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक वर्बल पार्ट्स, एक नॉर्मल वर्बल पार्ट्स। तो सबसे पहले वर्बल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट है, सीरीज अल्फान्यूमेरिक है। ये ऊपर के जो चार टॉपिक्स है, ये पांच टॉपिक्स हैं, और पांच के पांच टॉपिक्स बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन 100% आते हैं। सीरीज से आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो सिलेबस तो आपका सारा ही इंपॉर्टेंट है, करना तो आपको सब कुछ ही पड़ेगा, सारा ही स्टडी करके चलना है। तो उसके बाद है सेटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप है, पजल टेस्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग। आप चाहे तो इन टॉपिक पर कम फोकस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसिंग करेक्टर्स हैं,
कैलेंडर क्लॉक और डिस्क, इस पर भी आप चाहे कम फोकस करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे, इन पर अगर आप कम फोकस भी करोगे तो भी कोई ऐसा कुछ खास इशूज नहीं होने वाला है आपके साथ एग्जाम को लेकर, एग्जाम में क्वेश्चनों को लेकर। उसके बाद सिलोजिसम वेन डायग्राम, इनसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट एंड डिस्कशन है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। देखिए, आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पर ही फोकस कर चलना है। कुछ टॉपिक्स है जिन पर आप कम ध्यान भी दोगे तो कोई उससे इतना बड़ा आपका क्वेश्चनों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फिर भी अपने लगभग नियरेस्ट आप 99% अपना 100% एग्ज़ाम आप दे ही दोगे। तो मुझे लगता है कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको तो कवर करना ही है, लेकिन जो आपको लगता है नहीं भी है उनको भी आपको स्टडी करके चलना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए, जो टेक्निकल आपका पार्ट होता है उसे लगभग सभी कैंडिडेट्स कर लेते हैं, उसके अलावा जो बात बचता है नॉन टेक्निकल पार्ट, उस टाइम वो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों को ही बैलेंस करके चलना है, इस तरीके से बैलेंस करके चलना है ताकि दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से टाइम दे जाए और दोनों ही पार्ट्स के जो भी हमारे टॉपिक्स है वो कवर हो जाए इजीली। तो आगे बढ़ते हैं इसमें नॉन वर्बल पार्ट। नॉन वर्बल पार्ट में आपका सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, मिरर एंड वाटर इमेज है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जो एग्ज़ाम डीआरडीओ का 2019 में हुआ था उसमें, डीआरडीओ सेप्टम 9 का, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन क्योंकि वर्तमान समय करंट अफेयर्स की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स जो है वो 6 मंथ यानी कि लास्ट 6 मंथ की स्टडी करनी है। अगर आप लास्ट 6 मंथ की नहीं कर सकते तो कम से कम 3 मंथ की तो स्टडी करके ही चलिए। लेकिन अगर आप लास्ट 6 मंथ की करो स्टडी कर लोगे तो फिर आपको करंट अफेयर्स को लेकर किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मुझे तो लगता है कि आपको लास्ट 6 मंथ तक ही करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहिए। तो करंट अफेयर्स को आपको स्टडी करना है। उसके बाद हमने जो जनरल अवेयरनेस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो सेपरेट वाइज टॉपिक है और सेपरेट टॉपिक करके इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आपका हड़प्पा और हिंदू सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता है। रिलीजियस मूवमेंट में आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, ठीक है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड में आपका गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय यानी कि उन्होंने क्या काम किया, उस टाइम कौन से रिफॉर्म्स एक्ट आए उसके बारे में स्टडी करना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, द गांधी राय, गांधी राय में आपके कौन कौन से आंदोलन हुए गांधी जी के समय, उसके बारे में स्टडी करना है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ओशन एंड अर्थ है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स है, उसके बाद आइसलैंड है, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, रिवर्स एंड रोड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स है, मैप लाइंस है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल्स हो गया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कौन से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोर्सेज है यानी कि वे कहाँ कहाँ से ली गई है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल राइट कहाँ से ली गई है, ठीक है, ये स्टडी करना है। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में स्टडी करना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्पेशल फीचर्स क्या है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं। तो आपको जब बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक स्टडी करना है, तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उन्हीं को पढ़ना है। उसके बाद द रिट्स है, द प्रेसिडेंट है, द प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर का वर्क और पावर के बारे में स्टडी करना है। द सुप्रीम कोर्ट, उनका वर्क क्या है उसके बारे में स्टडी करना है। पार्लियामेंट्री टर्म्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। इंपॉर्टेंट कमीशन कौन से, नीति आयोग, पंचायती राज, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है, GDP, GNP, GNI, टैक्सी सिस्टम, GST, फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमिक्स कमेटीज एंड कमीशन है, बजट है, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग टू इकोनॉमी है, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसके अलावा आपके ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस, बुक्स एंड अथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम, कमेटीज एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, कौन कौन सी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई, बनाई गई है, तो वो देखनी है आपको, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNO हो गया आपका, OPEC हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, रेड क्रॉस हो गया, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं उसके बारे में स्टडी करना है। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में जानकारी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने लगभग सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ है। आपको टॉपिक को अलग से सर्च करके स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको पॉज करके इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर सकते हो, साथ ही इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के रिगार्डिंग, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग फुल डिटेल्स। तो
तो आई होप इस वीडियो से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के रिगार्डिंग, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग सभी कंप्लीट सभी जानकारी मिल गई होगी। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।